घर घर की बस यही कहानी है, सदियों की ये रीत पुरानी है। एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, चलती है जानवर की औलाद लगता है मोटी चमड़ी का। न माँ का पता न बाप का पता, पता नहीं किसकी पैदाइश है। आखिर मार खाने के बाद ही जबान खोली। यह है उसके बाप का फोन नंबर। सब कुछ सामान मिल गया उसके घर से। चलो शुभा, जो कुछ हुआ उसके बारे में पुलिस कंप्लेन करनी है, और उसके लिए बेटा तुम्हारी गवाही जरूरी है। तुलसी, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुलसी, ये अगर पुलिस स्टेशन जाकर गवाही देगी तो खामखा बदनाम होगी। लड़की है, अगर कल चार लोग मिलकर ताना मारे तो ये बेचारी क्या कर लेगी? इसकी पढ़ाई चल रही है, ये कॉलेज नहीं जा पाएगी, और अगर कॉलेज चली भी गई तो हो सकता है कि लोगों का सामना नहीं कर पाएगी। बेटा, चाची, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका गवाही देना जरूरी है, चलो। लेकिन तुलसी, कॉलेज में कोई और भी तो होगा ना जिसने ये सब देखा होगा? भाभी, तरुण कॉलेज गया है पता लगाने, शायद कोई गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, कोई मुझे बताइए। प्रिंसी, तुम बताओ प्लीज। देखिए, हमने कुछ नहीं देखा, वैसे अगर देखा भी होता तो क्या हो जाता, और इन पुलिस पुलिस के चक्कर में कौन पड़ेगा वे? चलो भाई चलो। लेकिन प्रिंसी, कमान यार, दोस्त हो तुम मेरे, ऐसे कैसे कर रहे हो यार? प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो यार। फोन। हेलो। हेलो, मैं तरुण बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, कोई मिला? नहीं, गवाही देने के लिए कोई नहीं मिला। चलो शुभ। भाभी, तुलसी, सर कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गोमजी और साहिर की लड़ाई देखी है। मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की, रिक्वेस्ट की, लेकिन गवाही देने के डर से कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। सर, अगर आप उन लोगों से बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो लोग गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। सर प्लीज। देखो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे भी इस कॉलेज की रेपुटेशन को ध्यान में रखना है। मैं चाहकर भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सर मैं सर, अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप हैं। प्लीज सर। आई सेड सॉरी तरुण, आई एम सॉरी। मैं खामखा अपने कॉलेज को अखबारों में उछालना नहीं चाहता। मैं जानबूझकर इस कॉलेज को बदनाम नहीं कर सकता। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यू गेट माय पॉइंट? इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार है। बताइए इनमें से कौन है? बताओ बेटा। ये
विक्की और गोमजी। ले जाओ इन्हें। तुम घर जाओ ड्राइवर के साथ, मैं स्टेटमेंट साइन करके आती हूँ, ठीक है? संभाल के जा। जाओ इंस्पेक्टर साहब, ये विकी के पेरेंट्स नहीं आए? किस मुंह से आते वो? और वो गोमजी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने बाप का फोन नंबर दिया है, लेकिन क्या फायदा, वो भी न्यूजीलैंड में रहते हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे नंबर देंगे? हाँ श्योर। ये लीजिए। थैंक यू। हेलो, इज दिस 9516-1088? या, हूज देयर? मे आई स्पीक टू गोमजी'स फादर प्लीज? जी हाँ, मैं उसका फादर हूँ। क्या नाम है आपका? किरण। देखिए किरण साहब, इस वक्त आपका बेटा पुलिस की हिरासत में है, उसने मेरी बेटी को काफी परेशान किया और यहाँ बहुत खून खराबा किया, इसलिए मजबूरन मुझे उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन दर्ज करवानी पड़ी। आप कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रही हैं? मुंबई से। क्या, कौन सी मुंबई में? क्यों, आपको पता नहीं है? अरे कैसे पिता हैं आप? आप जैसे लापरवाह माँ बाप की वजह से ही बच्चों की ये हालत होती है। हेलो हेलो हेलो, अमेजिंग, पता ही नहीं है बेटा कहाँ है इनका। सर उस लड़के के पास से पासपोर्ट मिला। फौरन जाकर अपना नाम भी बदल लेते हैं, लेकिन इस नाम से तो इंडियन लगता है। क्यों, नाम क्या है इसका? गौतम वीरानी। पासपोर्ट के अनुसार गौतम किरण वीरानी। क्या मैं पासपोर्ट देख सकती हूँ? श्योर। हेलो, देखिए मैंने अभी अभी आपसे बात की, आप प्लीज अपना नाम बताएंगे? किरण। पूरा नाम बताएंगे? किरण मनसुख वीरानी। से अलग है मेरी परछाई।